अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज रियाल रेट में मज़ीद इजाफा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आज ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में इजाफे के बाद रियाल का ट्रांसफर रेट और भी बढ़ गया है। आज 19 जुलाई 2023 और बुध का दिन है। रेट में एकदम इजाफे के बाद आज सऊदी रियाल का नया रेट क्या होगा? इन सऊदी अरब की मुख्तलिफ बैंक्स मुख्तलिफ ममालिक के लिए आज एक रियाल का क्या रेट देगा, ये तफसील हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो पूरा देखिए और मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज हम शुरुआत अलराजी बैंक से करेंगे। तो अलराजी बैंक पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 73.86 रुपये का, इंडिया के लिए 21.55 रुपये, बांग्लादेश के लिए 28.54 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 34.88 रुपये का। हो जाए इनसीबी क्विक पे का, तो इनसीबी क्विक पे पाकिस्तान के लिए आज एक रियाल का रेट देता है 74.22 रुपये का, इंडिया के लिए 21.46 रुपये, बांग्लादेश के लिए 28.44 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 34.50 रुपये। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं वेस्टर्न यूनियन के बारे में। तो वेस्टर्न यूनियन पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 73.83 रुपये का, इंडिया के लिए 21.55 रुपये, बांग्लादेश के लिए 28.63 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 34.80 रुपये। अगर हम बात करें इंजाज बैंक के बारे में, तो इंजाज बैंक पाकिस्तान के लिए आज एक रियाल का रेट देता है 73.25 रुपये का, इंडिया के लिए 21.55 रुपये, बांग्लादेश के लिए 28.64 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 34.83 रुपये। इसके अलावा बारी आती है एसटीसी पे का। तो एसटीसी पे पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 73.46 रुपये का, इंडिया के लिए 21.46 रुपये, बांग्लादेश के लिए 28.49 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 34.72 रुपये। तो दोस्तों, इसके अलावा हम बात करने वाले हैं यूरपे ऐप के बारे में कि वो क्या रेट दे रहा है। तो यूरपे पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 74.76 रुपये का, इंडिया के लिए 21.56 रुपये, बांग्लादेश के लिए 28.44 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 34.76 रुपये। अगर बात हो जाए मनीग्राम का, तो मनीग्राम पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 73.57 रुपये का, इंडिया के लिए 21.55 रुपये, बांग्लादेश के लिए 28.75 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 34.73 रुपये। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं फौरी बैंक के बारे में। तो फौरी बैंक पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 73.46 रुपये का, इंडिया के लिए 21.59 रुपये, बांग्लादेश के लिए 28.65 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 34.66 रुपये। अगर हम बात करें एएनबी टेलीमनी के बारे में, तो एएनबी टेलीमनी पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 72.62 रुपये का, इंडिया के लिए 21.59 रुपये, बांग्लादेश के लिए 28.56 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 34.72 रुपये। इसके अलावा बारी आती है सऊदी इरसाल का। तो सऊदी इरसाल पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 73.46 रुपये का, इंडिया के लिए 21.46 रुपये, बांग्लादेश के लिए 28.49 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 34.72 रुपये। तो दोस्तों, इसके अलावा हम बात करने वाले हैं एक्सप्रेस मनी के बारे में कि वो क्या रेट दे रहा है। तो एक्सप्रेस मनी पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 73.15 रुपये का, इंडिया के लिए 21.41 रुपये, बांग्लादेश के लिए 28.50 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 34.71 रुपये। अगर बात हो जाए रियाद बैंक का, तो रियाद बैंक पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 73